फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज शर्मा, आई एम वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मेरे ऑलरेडी कोर्सेज अपलोडेड है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सियल लोडिंग का पार्ट 3, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉनिकल बार, जो कि सेल्फ वेट के द्वारा इसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन होता है। टैपर बार में डिफॉर्मेशन देखेंगे और कंपोजिट बार में अपन डिफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ रेट यू रिकमेंड माई लेसन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसको। द टारगेट स्टूडेंट्स आर IAS गेट एस्पिरेंट SSC JEE RRB यूनिवर्सिटी एग्जाम अदर स्टेट लेवल एग्जाम एस्पिरेंट स्टूडेंट्स। दिस इज अबाउट मी। आपको मेरा लेसन कैसे लग रहा है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा केस 4, जो केस 3 हमने पढ़ रखा था। ठीक है, एक्सियल लोडिंग देखा रखा था हमने एलोंगेशन के द्वारा, सेल्फ वेट के द्वारा हमने टैप बार का देख रखा था। ओके, अब हम तीसरा जो हमारा केस है वो है डिफॉर्मेशन, सॉरी चौथा केस है डिफॉर्मेशन ऑफ टैपर बार अंडर एक्सियल लोडिंग। इस पर एक एक्सियल लोडिंग लग रही है, ठीक है, इसकी एक रिएक्शन लोडिंग लग रही है, किस पे पी लग रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगती है, ये टेंशन नेचर की है तो ये भी टेंशन नेचर की होगी। इस कॉनिकल बार का डाया दे रखा है डी और जो इसका यंग मॉडुलस है वो दे रखा है ई। ओके, यदि मैं इसका ALD बनाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो इसका ALD वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पी यहाँ बन रहा है, पी यहाँ बन रहा है, एक्सियल लोडिंग बन रही है, पी से ऊपर जाएगा फिर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कोई भी अंडर लोडिंग नहीं है। वापस से पी से क्या करेगा कि नीचे आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो मेरा ALD कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मेरा ई क्या है, कॉन्स्टेंट है। बट जो मेरा तीसरा अजम्पशन क्या था कि जो मेरा बार होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, यहाँ पर अलग क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। मीन्स कि जो मेरा ये वाला जंक्शन था ये फेल हो गया, इसलिए मुझे क्या है, कुछ दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बहुत सारे रेक्टेंगुलर जो छोटे छोटे स्ट्रिप है उससे बना हुआ एक कॉनिकल बार मान लेता हूँ मैं। ठीक है, बीच में एक्स डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप मान लेता हूँ जिसकी लेंथ क्या है, डी। ये क्या है, D1, तो इसकी टोटल लेंथ है, मैं D इसको मान लेता हूँ। और इसकी जो यंग मॉडुलस है वो सेम मटेरियल का सेम ही होगा, तो ये E मैं मान लेता हूँ। और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी है, X है। ओके, नाउ कंसिडर्ड अ प्रिज्मेटिक स्ट्रिप ऑफ लेंथ DX। मैंने बताया आपको इसकी जो विड्थ होगी वो DX होगी, लेंथ नहीं, इसकी विड्थ होगी वो DX होगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम इट्स फ्री एंड। ओके, तो डेल्टा PS इजिकल टू क्या आ जाएगा, PL अपॉन AE फॉर्मूला होता है, तो P इंटू DX। L क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी DX है, अपॉन ए क्या है, एरिया पाई बाय 4D2, और ई की जगह मैं क्या है, ई पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू डी टू प्लस, क्योंकि 4PX अपॉन पाई D2E। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है इसका, ये जब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है डी इज इक्वल टू डी टू प्लस D1 माइनस D2 बाई L की पावर X, मतलब इंटू में X, तो ये L माइनस D1 D2 है। ठीक है, ये क्या है, L माइनस D1 D2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, D1 D2 बाई L आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक्स यदि एक में क्या है, D1 माइनस DX अपॉन L है यदि लेंथ, ठीक है, यदि यूनिट लेंथ ये है, तो X में कितनी लेंथ होगी, D1 माइनस D2 अपॉन L होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, L लिख दिया। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, टोटल कर देता हूँ जितनी भी स्ट्रिप्स है सबका समअप कर देता हूँ, ये जितनी भी एक स्ट्रिप का मैंने मान लिया। ठीक है, अब इन सारी स्ट्रिप्स का क्या मैं करता हूँ, समअप कर देता हूँ ये सारी स्ट्रिप्स का अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर मेरी क्या है लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसका, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मेरे को सारी लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समअप करना होता है। ठीक है, तो Δ1 Δ2 Δ3 इसके अंदर डेल्टा ये एक्स है, Δ1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, Δ4 सब में मैं अपना क्या निकाल लेता हूँ, डिफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, सबको मैं क्या करता हूँ, समअप कर देता हूँ बाय द इंटीग्रेशन मेथड। और यदि सब मैंने इंटीग्रेशन करके इसका समअप कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो डेल्टा टोटल इज इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to L, ठीक है, 4P dx अपॉन पाई ई। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, PL अपॉन AE। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4E, ई की जगह साथ में ये आएगा, पाई बाई 4 का 4 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया आपको, ये मेरा जो 4P अपॉन पाई ई है ये कांस्टेंट है, ये मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन करना है अपन को इसका। ठीक है, लेट में क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है, कि D2 प्लस D1 माइनस D2 अपॉन L X इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ मैं, T, और इसको T समझ के क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, S की वैल्यू पहले 0 रखेंगे फिर L रखेंगे, क्योंकि 0 से L तक अपन क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 11th 12th में पढ़ा है आपने। ठीक है, तो यहाँ से पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस ही चला है, ये कोई भी अपनी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है सिंपल। ओके, तो जो लास्ट में अपना फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, Δ1 Δ2 Δ3 सारा अपन ने समअप कर दिया इंटीग्रेशन के द्वारा, डेल्टा इज इक्वल टू पी 4PL अपॉन पाई D1 D2E। ठीक है, ये क्या है,
हमारा कॉनिकल बार सॉरी प्रिज्मेट जो हमारा टैपर बार है उसमें यदि मैं पी फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, पी स्ट्रेसेस उसके जनरेट हो रही है, तो उसके द्वारा डिफॉर्मेशन कितना होगा, इसका फॉर्मूला ये है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है आपको। ये तो इनके लिए है जो कन्वेंशनल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम में आ सकता है। वैसे ये सेकेंड ईयर में ही चला जाता है, सोम है जो अपना, तो ये सिर्फ अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, गेट के अंदर 2 मार्क्स का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लेते कैसा था, तो आधा था प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, सॉरी आधा था टैपर बार और आधा था अपना प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, 120 mm इसका डाया था, आर जो रिएक्शन फोर्स लग रही थी, क्या लग रही थी, पी क्या लग रही थी, 10 kN लग रही थी। आगे वाला डाया था वो 80 था, पीछे वाला था 120 था, ठीक है। जो फिक्स एंड था वो एक 120 mm था और जो फ्री एंड था उसमें 80 mm था। तो इसमें पूछा था इसके अंदर दोनों केस आ गए, इसमें कंपोजिट बार भी आ, मतलब अपना टैपर बार भी आ गया और कंपोजिट नॉर्मल बार भी आ गया, ठीक है। इसका मैं सबसे पहले ALD ड्रॉ करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरी सारी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, कंडीशन जो है मेरे अजम्पशंस जो मैंने माने थे, 3 अजम्पशंस देखते हैं अपन PLF लगाने से पहले। तो पहला तो मेरा ALD कॉन्स्टेंट आ रहा है इसके अंदर, 10 kN का यहाँ लग रहा है, तो इसका रिएक्शन 10 kN का यहाँ लगेगा। इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा तो इसको ऊपर 10 पॉजिटिव गए, यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई लोड नहीं लग रहा, यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट और 10 kN का इधर लग रहा है, इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो अपना ये तो क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, चलो ये चीज़ तो ठीक है। इसका जो ई है वो भी क्या है, सेम है, तो चलो दूसरी कंडीशन भी अपनी फुलफिल है। लेकिन तीसरी कंडीशन की जो अपना क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट द लेंथ सेम होना चाहिए, वो अपने पास सेम नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या इसको अपन 2 सेक्शन मान लेंगे, एक सेक्शन दो सेक्शन, इसको नॉर्मल जो अपना PLA वाला फॉर्मूला था उससे कर लेंगे, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार का। और इसको अपन किससे कर लेंगे, इसको अपन कर लेंगे जो अपना टैपर बार था जिसका फॉर्मूला अपने को पता है उससे अपन इसको कर लेंगे। तो डेल्टा टोटल क्या निकालेंगे अपन, डेल्टा टैपर प्लस डेल्टा प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो इसका क्या था अपना 4 PL/π D1 D2 E, ठीक है। तो इस टैपर वाले का अपना फॉर्मूले से निकल जाएगा। प्रिज्मेटिक के निकालेंगे PL/E से नॉर्मल, सारी वैल्यू पता है मुझे, पी क्या है, पी अपन को 10 kN दे रखा है, एल क्या है, लेंथ दे रखी है, mm में ले लिया अपन ने, ठीक है, पाई तो पाई होता ही है, D1 D2 हमको दोनों को दे रखा है, D1 ये रहा D2 ये रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, इसका डायरेक्ट आंसर निकाला। प्रिज्मेटिक का निकालेंगे PL/E, सेम यहाँ पर फॉर्मूला रखा, दोनों को एडअप कर दिया, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन आया था गेट के अंदर, ओके। तो ये लगता है टफ कि भाई ये कैसा डायग्राम आ गया। नाउ डिफॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट, क्या है डिफॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट निकालना है अपन को। तो कॉनिकल बार का अंडर इट्स सेल्फ वेट निकालना है, तो ये हमारा कॉनिकल बार है, ठीक है, एक तरफ से ये फिक्स है, दूसरी तरफ से सेल्फ वेट ही लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो सेल्फ वेट क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है W, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं W को। वेट डेंसिटी क्या हो जाएगी, गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, W अपॉन वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं। ए फिक्स है, यहाँ का जो पाई होगा, मतलब जो इसके एरिया होगा फिक्स एंड का, वो होगा π D² / 4, या फिर π/4 D² अपन जैसा बोलते हैं, ठीक है। जो सेल्फ वेट लगेगा इसका इस एक्स डिस्टेंस पे, इसके कारण कितना लगेगा, 1/3 गामा A1 x, ठीक है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर है, ओके। टोटल का वेट कितना लग रहा था, 1/3 गामा ए फिक्स इंटू एल, ठीक है, एरिया का लगेगा फिक्स एंड का, इंटू क्या लगेगा, एल लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, A1 लगेगा, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, A1 मान रहा हूँ, इसको क्या मान लिया था अपन, A मान लिया था। तो सिर्फ अपन इतनी सी स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं इस जगह पे, और इस पे निकाल लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके पूरे पे निकाल लेंगे, ओके। तो अपन करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं, बाय यूजिंग द सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन इसके अंदर। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये कोण इसके अंदर कॉमन है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, जो बेस का रेशियो होता है और लेंथ का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो D1/2 / D/2 इज इक्वल टू X/L, D/2 और जो D1/2 है उसका रेशियो क्या होगा, X/L होगा, जो उसकी लेंथ का रेशियो है उसके बराबर होगा। तो यहाँ से D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D.L/X हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, π D1/4, मतलब π D² / 4 इज इक्वल टू π/4 D² L² X² L², ठीक है। ये यहाँ से हो गया अपना, ए फिक्स है, ये फिक्स वाले का है और ये एक्स वाले का है, ठीक है। यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा अपना, इस ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, ए फिक्स .X² / L² आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कंसिडर प्रिज्मेटिक स्ट्रिप ऑफ द लेंथ dx एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द इट्स फ्री एंड, ओके। नाउ डेल्टा PS जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, PL/AE हो जाएगा, 1/3 गामा A1 x dx / AE होता है, तो A1 E हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है उसका, AE है,
तो डेल्टा पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 गामा एक्स, ये किस कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, एक्स डी एक्स बचेगा अपने पास, और ये कितना बचेगा, ई बचेगा, तो डेल्टा कॉनिकल कितना हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन कर देंगे अपन 0 से L लेंथ तक, 0 से L लेंथ तक इसका क्या कर देंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है कि शायद हो सकता है कि कॉलेज में भी अच्छे से नहीं पढ़ाया हो, तो अपन को एक्चुअली में, यदि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आपको यदि पढ़ना चाहिए ये सब चीज़ें, यदि कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो जो उसका रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूला है वो अपन को सीधा याद होना चाहिए, ठीक है। तो कंसिडर द प्रिज्मेटिक स्ट्रिप ऑफ द लेंथ डी एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, फ्री एंड से अपन क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, पी एल अपन ए अपना ए से ए कट ही गया था, ये अपने पास कितना आ गया, 0 से लेके L तक अपना जो इसका है इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके अपन को क्या निकल जाएगा, इसको टोटल इसकी वो मिल जाएगी, डिफॉर्मेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा कॉनिकल का क्या होता है, सेल्फ एड के द्वारा गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E, और गामा प्रिज्मेटिक का क्या होता था, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E होता था। कॉनिकल का डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेल्फ एड के कारण गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E, मतलब 1/3 हो जाएगा। अभी 1/3 मतलब 1/3 गुना क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया, उसके अंदर ये 1/3 नहीं होता था, प्रिज्मेटिक बार के अंदर गामा डॉट एल होता था, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका, तो याद हो जाएगा आराम से, ये यदि क्या है अपन को प्रिज्मेटिक का फॉर्मूला याद है, तो 1/3 करके इसका फॉर्मूला निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ गामा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकाले अपन, वेट निकाले तो क्या जाएगा, WL/2AE हो जाएगा, WL/2AE, और जो अपना नॉर्मल बार होता था, ठीक है, सेल्फ वेट के कारण, उसका भी WAL/2E होता था, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है इसके अंदर। नाउ मैं बात करता हूँ कंपोजिट बार की। कंपोजिट बार मतलब क्या होता है कि जब दो बार पैरेलल में हो, ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, सीरीज में होते थे, जो अपना कंपाउंड बार था इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल, एक मेरा पास ये वाला मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, दोनों मटेरियल अलग अलग है, सर्कुलर है, मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया, ये अंदर सॉलिड है और दूसरा क्या है, दूसरा मटेरियल है, तो पहले की जो है D1 है, दूसरे की D2 है, डायमीटर पहले का एरिया है A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू क्या है, π/4 D2 स्क्वायर माइनस π/4 D1 स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ओके। तो लेट P1 एंड P2 आर द IRF इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप इन द बार 1 एंड 2, दोनों के अंदर अलग अलग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। P1 + P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। स्टेटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर है ये, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, इक्वेशन एक है और अननोन दो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूज कंपेटेबिलिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, मुझे पता है कि डिफॉर्मेशन सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है फिक्स है, क्योंकि बोथ एंड क्या है इसके, सॉरी एक एंड इसका क्या है फिक्स है, और क्योंकि दोनों को में एक साथ प्रेशर लगेगा, तो इसमें दोनों में क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच्ड है, ये दोनों क्या एक दूसरे से अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या बोलता है, कंपोजिट बार। कंपोजिट बार का मतलब क्या होता है, बार इन पैरेलल सरफेस टू सरफेस कनेक्शन होता है इसका, सरफेस टू सरफेस कनेक्शन होता है, ओके। तो दोनों में डिफॉर्मेशन भी सेम होगा, इसलिए Δ1 = Δ2 ले लिया, P1 L1 = क्या ले लिया, P2 L2 / A2 E2 ले लिया, ठीक है। तो P1 P2 की जो वो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, A1 / A2 E2 / A1 / A2, ठीक है। तो सॉल्व करता हूँ मैं इक्वेशन दोनों को, 1 एंड 2 को, तो P1 P2 की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, ठीक है। P1 P2 की वैल्यू यदि मेरे पास निकल गई, एरिया मेरे पास है ही, तो सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी, σ2 की वैल्यू निकल जाएगी। डिफॉर्मेशन तो इजी है ही, PL/AE, P मुझे दे रखा है, लेंथ मुझे दे रखी है, A मेरे पास है ही और E मेरे पास है ही, ठीक है। तो मेरे पास क्या करेगा, दोनों की जो है डिफॉर्मेशन निकल जाएगी। अच्छा, दोनों की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इसका डिफॉर्मेशन होगा वही इसका डिफॉर्मेशन होगा, ये फिक्स है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं है कभी भी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है कंपोजिट बार है, ओके। सो यहाँ पर अपना एक्सियल लोडिंग वाला जो चैप्टर था, इसके जो 3 लेसन अपन ने डिस्कस किए वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।